जय श्री राम। राम राम टू एवरीवन। आई वेलकम यू टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। सो आज गाइस 22 जनवरी है, राम जी का प्राण प्रतिष्ठा है। 500 साल बाद राम जी वापस आ रहे हैं अपने घर, अपने भारत में। तो आप लोग उत्सव मनाइए, राम जी हमारे बीच आ रहे हैं। और मैं भी बहुत दिनों से ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था, ब्लॉगिंग नहीं हो रहा था मेरा, और आज मैं शुरू कर रहा हूँ बहुत ही ग्रैंड प्राण प्रतिष्ठा उस सब में। तो हमने भी कुछ अपने तरफ से किया हुआ है और हम भी आज आपको मैं दिखाऊंगा थोड़ा प्रिपरेशन में क्या करने वाला हूँ। तो आज हमने एक श्री राम जी का अपना भगवा झंडा खरीदा है और एक अपना ये जो डालते हैं इधर ये खरीदा है, और मेरा एक भगवा गमछा भी है, उसको भी मतलब डालेंगे, मतलब ये क्या गर्दन के पास, और ये चश्मा लगाएंगे। और मैं आज कुछ ऐसा आउटफिट में हूँ, मतलब आउटफिट मतलब क्या, मेरा ब्लैक शर्ट है ये वाला, और नीचे मेरा फॉर्मल ग्रेइश वाइट पैंट है। और उधर मेरे घर वाले देख रहे हैं राम जी का प्राण प्रतिष्ठा, उसलिए उधर से आवाज़ आ रहा है। तो हमने पूजा भी अपना कर लिया है भगवान जी का, और अभी हनुमान चालीसा भी पढ़ लिया है, और अभी हम जाएंगे राम मंदिर, हमारे भुवनेश्वर राम मंदिर में, उधर कुछ करेंगे, उधर से आपको मतलब कुछ अपडेट्स देंगे उधर क्या हो रहा है। और आज पूरा देश ही जश्न में है, आज पूरा देश ही राम जी को वेलकम कर रहा है। आज पूरा देश क्या, पूरा दुनिया, पूरा कण कण में जाके सबको पता चलना चाहिए कि आज राम जी हमारे 500 साल बाद वापस आ रहे हैं। तो उसी के खुशी में हम जा रहे हैं और देखते हैं क्या क्या होता है, और राम जी को वेलकम करने के लिए सभी एक्साइटेड है, और मैं दिल से इतना खुश हूँ आपको बता भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो दिल में खुशी है वो शब्दों में नहीं बयां हो सकता है। तो चलो गाइस अभी जाते हैं, आपको बाहर जाके मिलते हैं, अपने गाड़ी में भगवा झंडा लगाते हैं सब करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो चलो गाइस बाहर मिलते हैं। तो गाइस ये हमने कल क्लीन कर दिया था हमारा स्कूटी, पूरा धो के पूरा रेडी चकाचक, अभी ऊपर जाएंगे। ये भगवा गमछा इधर था तो लेके जाएंगे ऊपर अच्छे से रेडी होके आएंगे, और इधर भगवा झंडा लगाएंगे, फिर निकल जाएंगे शहर घूमने। गाइस हमने लगा दिया है अपने स्कूटी में भगवा झंडा, और हमारा आउटफिट कुछ ऐसा है। तो और हमने भगवा झंडा लगा दिया है स्कूटी के पीछे, और ये रहा हमारा स्कूटी, और ये रहे हम, और हम जाएंगे अभी, देखते हैं क्या क्या होता है, मिलते हैं रोड में जाके। सो गाइस ये हम रहे हैं, और हमारा कुछ आज का गेटअप कुछ ऐसा है, ब्लैक टी शर्ट और वॉच है, और भगवा हमारा गामछा है, और ये श्री राम जी का जय श्री राम लिखा हुआ, और ये वाइट पैंट है फॉर्मल पैंट, और ये क्रॉक्स। और आपको दिखा रहे हैं हमारा गाड़ी कैसा सुंदर दिख रहा है, आपको पूरा दिखा रहे हैं, रुकिए। तो हमारा गाड़ी कुछ ऐसा दिख रहा है, और हमने भी हमारा गाड़ी को कल धो दिया था, पूरा हमारा गाड़ी हमारा पूरा ग्रेजू पूरा अच्छा दिख रहा है, पूरा मतलब पूरा सुंदर दिख रहा है, पूरा सुंदर। श्री राम जी का पीछे जय श्री राम का झंडा लगा हुआ, पूरा सुंदर दिख रहा है। तो चलो निकलते हैं और देखते हैं। तो गाइस अभी हमने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है, जय श्री राम बोलते हैं, गाड़ी को छूते हैं, श्री राम जी का झंडा को छूते हैं, हमने चप्पल निकाल लिया है, गाड़ी को छूते हैं, श्री राम जी का झंडा को छूते हैं, और छू लिया और लगाते हैं सिर पे और निकल पड़ते हैं। तो ये गाइस हमारा स्टार्ट होगा अभी, गाड़ी स्टैंड लगा लिया है, गाड़ी स्टार्ट हो गया, और अभी हम चलते हैं गाइस। Thank you.
तो गाइस अभी हमने झंडा लगा लिया है और गाड़ी में जा रहे हैं और देखते हैं राम मंदिर पहुंच के आपको दिखाते हैं। रास्ते में थोड़ा बहुत भी ब्लॉगिंग करेंगे, देखते हैं क्या क्या होता है। जय श्री राम। भाई अभी गाड़ी में जा रहे हैं, रास्ते में जो भी लोग हमको देख रहा है जय श्री राम बोल रहा है। और गाइस हम जाएंगे अभी हनुमान जी का थोड़ा सिंदूर लगाएंगे जाके, फिर हम निकल जाएंगे राम मंदिर की तरफ। सो गाइस हम पहुंच गए हैं इधर और जा रहे हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर जाके अपना हनुमान जी का थोड़ा सिंदूर लगाएंगे और लगा के निकल जाएंगे राम मंदिर की तरफ और जाके देखते हैं उधर क्या होता है। और हम पिछले गेट से जा रहे हैं, इधर भी हमारा बहुत सारा मतलब सेलिब्रेशन हो रहा है, आपको दिखाता हूँ। तो गाइस इधर अपना भी हमारा ये घर के पास जो मंदिर है उधर भी सेलिब्रेशन हो रहा है। और गाइस हम इस गेट से जा रहे हैं पीछे वाले गेट से, जा रहे हैं हम, देखते हैं क्या होता है। ये गमछा थोड़ा गाइस मतलब इधर उधर हो रहा है, देखते हैं अच्छा क्या करेंगे। गमछा संभालने लगेंगे तो हम खुद नहीं संभाल पाएंगे अपने आप को। तो जाते हैं हनुमान जी के मंदिर में। तो गाइस हनुमान जी का मंदिर आ गया इधर और उनके पास जाएंगे, सिंदूर लगाएंगे और फिर जाएंगे। ठीक है गाइस, हनुमान जी का आप दर्शन कर लो। जय श्री राम। तो गाइस अभी अब मैं मंदिर में आए थे और हनुमान जी का सिंदूर लगा लिया है और दर्शन भी कर लिया है, शिव जी का, हनुमान जी का और राधा कृष्णा जी का। और अभी हम निकल रहे हैं राम मंदिर के लिए और हनुमान जी का सिंदूर आ गया और कुछ प्रॉब्लम नहीं है और अभी हम जाएंगे। ठीक है गाइस, देखते हैं क्या क्या होता है। तो गाइस इधर पेट्रोल डाल रहे हैं और पेट्रोल डाल के अभी निकलेंगे। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं सीआरपी चौक में और पीछे रहा मेरा सीआरपी चौक। और सीआरपी स्क्वायर में आने के बाद अभी हम इधर थोड़ा मतलब हमारे भैया लोग रहते थे पहले और उनके साथ, उनको थोड़ा फ़ोन करेंगे, देखेंगे वो किधर होंगे, फिर जाएंगे। और हमने अपने गाड़ी में पेट्रोल भी फुल कर लिया है और पेट्रोल फुल करने के बाद अभी हम जाएंगे और देखते हैं क्या होता है। और अभी सीआरपी स्क्वायर से ही निकल रहे हैं पेट्रोल फुल रिफिल करने के बाद, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं भुवनेश्वर के रेलवे स्टेशन के आसपास और हमारा इधर रेलवे स्टेशन काम चल रहा है और ये आई लव भुवनेश्वर इधर लिखा हुआ है। इधर आसपास पहुंच चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं राम मंदिर की तरफ। हम दूसरे गली में जाने वाले थे लेकिन हमने सोच लिया कि इधर का थोड़ा राउंड भी मार लिया जाए और रेलवे स्टेशन के तरफ आ गए। और रेलवे स्टेशन के तरफ से अभी हम जा रहे हैं मतलब राम मंदिर के तरफ और जाएंगे, फिर लिंगराज मंदिर के तरफ भी जाएंगे और जाके फिर आएंगे और देखते हैं क्या होता है गाइस। ठीक है, और देखते हैं राम मंदिर के तरफ अभी जाते हैं गाइस। ठीक है, आ रहे हैं राम मंदिर के तरफ और इधर हर जगह भगवा लगाया हुआ है, हर कोई हर अपने दुकान में भगवा लगाया हुआ है। और अभी जा रहे हैं हम राम मंदिर के तरफ और आपको दिखाते हैं रास्ता कैसा दिख रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो हर दुकान में भगवा लहरा रहे हैं, यही चाहिए अपने आप को, अपने को यही चाहिए, हर घर में भगवा लहरा है, देख सकते हो। जय श्री राम।
देख सकते हो रास्ते में हर कोई अपने को देख के जय श्री राम बोल रहा है, हम भी बोल रहे हैं उनको देख के जय श्री राम। तो गाइज आप देख सकते हो राम मंदिर के तरफ कितना भीड़ है, और अभी हम अपने बीजेपी के इधर पार्टी ऑफिस के साइड से ही निकल जाएंगे, उधर अपना गाड़ी घुसा देंगे, घुसा के अंदर निकल जाएंगे। ठीक है गाइज देखते हैं, देखो उधर बीजेपी का कुछ कार्यक्रम भी चल रहा है, उधर गाइज कुछ बीजेपी का कार्यक्रम चल रहा है शायद, और हम उस तरफ जाएंगे और जाके हम गाड़ी अपना घुसाएंगे। और उधर श्री राम मंदिर का उधर पोस्टर भी लगाया हुआ है, और इधर राम लल्ला का जो मूर्ति है उसे भी लगाया हुआ है विग्रह को। तो गाइस अभी फ़ोन रखते हैं, राम मंदिर के सामने जाके आपको मिलते हैं। गाइस इधर पूरा जाम लग चुका है, देखते हैं गाड़ी किधर रखेंगे। सो गाइस अभी हम इधर गाड़ी को पार्क कर लिए हैं, 5-10 मिनट खड़े होने के बाद अभी हम जाएंगे रामलला का दर्शन करने हमारे भुवनेश्वर इस मंदिर में। तो गाइस देखो भगवा लहरा रहा है हमारे गाड़ी में, और गाड़ी इधर पार्क कर लिया है, भगवा लहरा रहा है पीछे, भगवा अच्छे से पूरा लहरा रहा है, और हम जाते हैं जय श्री राम करके राम जी के दर्शन करने, और राम जी के दर्शन करके आते हैं और अपने गाड़ी एक स्टैंड आउट कर रहा है भगवा के साथ, भगवा पूरा अच्छे से ले रहा है गाड़ी में अपना, पूरा भगवा पूरा अच्छे से दिख रहा है ले रहा है। और अभी हम जाते हैं राम मंदिर, राम मंदिर में जाएंगे भगवान का दर्शन करेंगे, और भगवान आ रहे हैं बहुत ही खुशी है, बहुत बहुत ही खुशी है। जाते हैं अंदर दर्शन करते हैं, दंडवाद करते हैं और आपको दिखाते भी हैं। चलो बहुत भीड़ है, बहुत देख सकते हो कितना भीड़ है, देख सकते हो कितना भीड़ है, कितना भीड़, बहुत भीड़ है, आज हर मंदिर में भीड़ होगा क्योंकि भगवान आ रहे हैं, सबको दर्शन करना है भगवान के। जो मंदिर कभी साल में नहीं जाता होगा वो भी आज मंदिर चला गया होगा क्योंकि उसको ही भगवान के दर्शन करने हैं। और देख सकते हो कितना भीड़ है, और इधर प्रेस मीडिया वाले सब आए हुए हैं, देख सकते हो। कल भी मैं राम मंदिर आया था देखने के लिए, तो गाइस इधर पूरा भीड़ लग चुका है और भीड़ लगा हुआ है, और अभी हम इधर खड़े हुए हैं, देखते हैं क्या क्या होता है, और मंदिर में जाते हैं दर्शन करके आते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो मंदिर में भी भगवा लहरा रहा है झंडा, कितना सुंदर दिख रहा है। और अभी अंदर जा रहे हैं भक्त लोग, और अब देख सकते हो पूरा मंदिर का इलाका भीड़ है, पूरा भीड़ है देख सकते हो, ये लाइन लगा हुआ है भक्तों का अंदर जाने के लिए, देख सकते हो जा रहे हैं भक्त लोग अंदर। तो गाइस अभी हम लाइन में खड़े हुए हैं, देखते हैं लाइन में खड़े हुए हैं, एक लॉट अभी अंदर गया है भक्त लोगों का, और अभी हम इधर खड़े हुए हैं, जाते हैं अंदर देख के आते हैं क्या कैसे सिस्टम है। अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है इधर, मतलब लाइन लाइन फेस फेस करके छोड़ रहे हैं अंदर, तो ये एक अच्छा सिस्टम है, लाइन बना दिया है। और अभी हम जाते हैं अंदर देखते हैं क्या क्या होता है। तो गाइस अभी इधर और हम इधर अंदर आ गए हैं, और अभी हमारा शर्ट थोड़े ही बहुत में फटने वाला था, और अभी हम अंदर आ चुके हैं राम मंदिर के, और अभी उधर से छोड़ा उधर से लोगों को, भक्त लोगों को, और अभी उधर से आ रहे हैं भीड़, और हम अंदर आ चुके हैं, और हम इधर है राम मंदिर में, आप देख सकते हो अंदर। और आज बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है, और अभी हम जाएंगे ऊपर राम जी का दर्शन करेंगे, आएंगे अच्छे से देखते हैं क्या होता है, अंदर जाते हैं अच्छे से, बैक कैमरा करके सब कुछ दिखाते हैं, बैक कैमरा करके।
मंदिर का भगवा झंडा कैसे अच्छे से लहरा रहा है आप देख सकते हो। देख सकते हो राम मंदिर कितना अच्छे से सजा हुआ है। कल हम आए थे इधर देखने के लिए। जय श्री राम। यही बोलो दर्शन हुए भगवान के, मतलब हम रिकॉर्ड कर रहे थे और दर्शन कर रहे थे, रिकॉर्ड करने के लिए मना है, फिर भी हम थोड़ा बहुत कर लिए और हम इसलिए मतलब दर्शन कैमरे से किए, इतने आँख से अच्छे से दर्शन नहीं किए, लेकिन अच्छे से दर्शन हुए भीड़ में भी फिर भी। और हम जाते हैं देखते हैं बाहर में, इधर नारा दे रहे हैं इसलिए आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा, अच्छे से हम बाहर जाके मिलते हैं। जा रहे हैं उधर, उस तरफ जाके चले जाएंगे।
एग्जिट लाइन में बहुत भीड़ है गाइस, देख सकते हो आप। गाइस शायद इधर भंडारा भी लगा हुआ है प्रसाद सेवन के लिए, इधर देख सकते हो और बहुत भीड़ है गाइस। देखते हैं क्या होता है। हाँ गाइस इधर प्रसाद सेवन हो रहा है और अरे मुझे दसटा बेल कौन प्रसाद प्रसाद दिया ना कौन अच्छा ना पड़े जो आमर सोशियाल टक मुझे दीपटे खोज भाया लगे जे कहीं दीप कहीं सेपट दौन या प्रसाद गाइस हमने अपना दीप लगा लिया है और इधर रहा हमारा दीप और प्रेयर भी कर लिया है और इधर हम जा रहे हैं, देखते हैं गाइस उधर जाते हैं, उधर रहा हमारा दीप। इधर सेव बूंदी का प्रसाद दे रहे हैं, देखते हैं। और लाइव मोदी जी जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं अयोध्या में उसका लाइव चल रहा है, देख सकते हैं। इधर हमारे नेता राम और इधर हम रहे प्रसाद लेने जाएंगे। गाइस इधर हमने अपना प्रसाद ले लिया है, खाते हैं और जाते हैं उधर अन्ना प्रसाद खाते हैं फिर जाएंगे बाहर। तो गाइस अभी हम दर्शन करके आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं बाहर, बाहर जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। तो गाइस इधर एक प्रोग्राम चल रहा है, तो गाइस अभी हम हमारे गाड़ी के पास आ चुके हैं और हम इधर हैं और हमारा भगवा झंडा जो है वो थोड़ा बिखर गया है, मतलब उसका जो स्टिचेस हैं इधर थोड़े निकल गए हैं, शायद किसी के हाथ वाथ में बचकर निकल गया होगा। और हम जाते हैं अभी, अब देख सकते हो अभी मेरा गाड़ी में भगवा झंडा लगाया हुआ है और हम इधर आ गए हैं, अभी जाएंगे अंदर। गाइस इतना भीड़ था कि ये जो मैंने ये सब लगाया हुआ है सेफ्टी पिन वगैरह में इसमें फटने का भी बहुत चांस है, 60 वाट आपका मतलब बहुत ही भीड़ ज़्यादा है। और अंदर अभी हम जाएंगे घर जाएंगे, देखते हैं। प्रसाद के लिए लाइन में खड़े हुए थे लेकिन प्रसाद मिला नहीं, इतना भीड़ था तो हम चले आए और अभी जाते हैं, देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं। और अभी हम जाएंगे, देखते हैं।
चलो गाड़ी निकाल के जाते हैं, हमारा गाड़ी इधर रहा, भगवा झंडा इधर रहा और हम इधर रहे, गाड़ी निकालते हैं घर की तरफ चलते हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, देख सकते हो, और इधर हमारा जा रहा है भगवा झंडा पीछे इधर, और आगे भी देख सकते हो बहुत सारे भगवा झंडा ले जा रहे हैं लोग। तो गाइस इधर बहुत सारे लोग जा रहे हैं अपने बाइक में, अपने कार में भगवा झंडा ले रहा के। और इधर ये जी स्क्वायर के आसपास हम आ गए हैं और अभी जाएंगे उस तरफ, जी स्क्वायर के आसपास नहीं, हमारा जो स्टेट असेंबली है उसके पास आ गए। और इधर ट्रैफिक रुका हुआ है, ये रविंद्र मंडप है, और ये रविंद्र मंडप है हमारा जो कल्चरल और ये सब इधर फेस वेस्ट वगैरह होता है। और ये लाइट ग्रीन हमारा सिग्नल दे दिया, अभी हम चल पड़ेंगे राइट की तरफ। तो गाइस देख सकते हो स्कूल के बच्चे भी इधर आए हुए हैं। तो गाइस ये हम जा रहे हैं इधर, एक क्रेटा वाले भाई साहब ने एक लगा रखा है भगवा झंडा अपना, देख सकते हो हमारा भगवा झंडा तो पीछे लहरा ही रहा है। इतना सुंदर लग रहा है गाइस, बहुत सुंदर लग रहा है। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, नमो पार्वती पते हर हर महादेव, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, भवन सुत हनुमान की जय, जय जय श्री राधे, राधे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो गाइस इधर हम जाएंगे लेफ्ट के साइड, चले हैं लेफ्ट के साइड। उधर जाते हैं, अभी इधर ट्रैफिक को रुका हुआ है, देख सकते हो उधर। सब गाड़ी में भगवा झंडा ले रहा है। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं हमारा फिर से नायाबली एरिया में, और अभी हम इधर जा रहे हैं हमारे स्कूल के तरफ, स्टोर स्कूल के तरफ, और पहुंच गए हैं अभी फिर से नायाबली के अंदर घर के पास, और जाते हैं अभी देखते हैं क्या होता है। रात
राम जी आ रहे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं सब। ये ब्लॉग बहुत ही बड़ा होने वाला है, आप देखोगे बहुत ही बड़ा होने वाला है। जिसका जिगरा होता है वही खाली दिख सकता है और कोई नहीं देख सकता। तो गाइस तो ये रहा हमारा भगवा झंडा पीछा ले रहा थे। तो हम जाते हैं अभी तरफ। तो गाइस आप मतलब देखो, लोग ट्रैफिक में लेफ्ट साइड में आके खड़े हो जाते हैं, जो मतलब फ्री लेन होता है। लोगों का बकचोदी थोड़ा देखो, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो जैसा लेन है उसको मान के आपको गाड़ी ही चलाना चाहिए। ये मेरा रहा स्कूल, ये मेरा स्कूल है और अभी हम इधर घूम रहे हैं, देख सकते हो। आज एक्चुअली हमारे स्कूल में हाफ डे था, मतलब छुट्टी है उड़ीसा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन ये मानते नहीं है, क्या करें। तो गाइस उधर बना रहे हैं स्कूल में हमारा क्या हो स्पोर्ट्स डे, और हम इधर चल पड़े हमारे एक दोस्त से मिलेंगे, देखते हैं उससे मिलके क्या होता है, फिर घर जाएंगे घर के पास। गाइस बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये वाला चीज़, मेरे को जो भी बोलो तुम। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलो दोस्त से मिलते हैं, फिर आपसे बात करते हैं उधर पहुंच के। सो गाइस अभी मैं राम मंदिर का दर्शन करके अपने दोस्त के घर में गया था, थोड़ा उससे बात किया, और बात करने के बाद अभी मैं घर आ चुका हूँ। सुबह से कुछ नहीं खाया था, पूरा पानी भी नहीं पिया था, निर्जल पूरा था। और ठीक है, तो पानी खाली एक गिलास पिया था और भगवान का तुलसी और थोड़ा केला खा के गया था, कुछ नहीं खाया था, अन्न वन कुछ नहीं खाया था। और अभी मैं मंदिर जाके दर्शन करके आया हूँ, अभी हमारे रामलला को प्रणाम करेंगे हमारे घर में, फिर जाके खाना खाएंगे, और अभी घूम फिर के राम मंदिर का दर्शन करके और इनॉग्रेशन का लाइव देख के सब कुछ हो गया है, और अभी हम घर पे आ गए हैं। और यही कुछ रहा, और हमारा भगवा गमछा भी उधर हम रखे हैं निकाल के, और बाकी अभी जाएंगे खाना खाएंगे, चावल खाएंगे। देखेंगे क्या होता है, शाम को कुछ प्लान नहीं है, देखते हैं शाम को क्या होने वाला है, नहीं तो शाम को भी फिर थोड़ा जाएंगे घूमेंगे और दिखाएंगे आपको क्या करते हैं। तो ठीक है गाइस, और अभी हम चलते हैं खाना खाने। अगर शाम को किधर जाएंगे तो आपको एक नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे, ये वाला व्लॉग बहुत ही बड़ा हो चुका है। तो इस व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अनटिल द नेक्स्ट व्लॉग, अनटिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जगन्नाथ, और सबको खुश रखिए, धर्म के रास्ते पे सबको रखिए, और सब खुश रहिए, और आप सब भी धर्म के रास्ते पर चलिए, राम जी का आदर्शों को पालन कीजिए। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, और सभी को रेस्पेक्ट दीजिए। जय श्री सीताराम, हर हर महादेव, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव, जय जगन्नाथ। Until the next video, bye. Meet you in the next video.